हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीमेल डिजाइन। गाइस, आज हम लेके आए हैं आपके लिए कुछ खास, जो कि हमारे एक फॉलोअर हैं, उन्होंने कमेंट किया था। जो आपका प्लान है 20x40 का, बताया था कि उनको नॉर्थ फेसिंग चाहिए। हमारा वीडियो एक था, वो उसमें ईस्ट फेसिंग में बनाया गया था। तो ये गाइस, हम आपके लिए नॉर्थ फेसिंग लेके आए हैं अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र। गाइस, इसमें आपको कार पार्किंग नहीं मिलने वाली है, जो चीज़ हम पहले ही आपको क्लियर करते रहे हैं। तो आपको इस तरह से इसमें आइडिया लग जाएगा किस तरह से आप अपना 20x40 का जो नॉर्थ फेसिंग है वो डिजाइन कर सकते हैं एज पर वास्तुशास्त्र। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल पे और भी काफ़ी वीडियोज हैं इंटरेस्टिंग, वो भी आप देख सकते हैं। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो एंड में लाइक भी कर दे जाना, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये नॉर्थ फेसिंग का इस रोड मिलने वाला है। यहाँ से आपको एक एंट्री बेहद शानदार मिलने वाली है, जो कि है 4 फीट की सिर्फ। तो यहाँ से आप डायरेक्टली अपने ड्राइंग रूम में एंट्री कर पाएंगे, जिसका साइज आपका 13 फीट 2 इंच x13 फीट का आएगा। इसमें आपको वेंटिलेशन के लिए एक हमने विंडो दिया गया है, जो कि 4 फीट का है। यहाँ पे आप अगर चाहें तो 6 फीट का भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस और भी ज़्यादा है, जिससे कि बाहर का लुक काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। इसमें गाइस, आपको एक अटैच लैट बाथ दिया गया है। यह लैट बाथ कंबाइंड है, ठीक है। तो इसमें इसका साइज जो गाइस है वो 5 फीट x6 फीट 4 इंच है। और इसमें जो वेंटिलेशन के लिए ये आपको वेंटिलेटर दिया गया है। ये गाइस आपका एज पर वास्तुशास्त्र ये वायु कोड में रखा गया है। ये आपका जो है नॉर्थ और वेस्ट का जो कोना होता है वो आपका वायु कोड का होता है। तो ये वायु कोड में आपका जो टॉयलेट वगैरह रखा गया है, और ये ईशान कोड या गुरु कोड बोलते हैं उस कोड में, गुरु कोड में आपको जो ये रखा गया है ड्राइंग रूम, ठीक है गाइस। तो जो भी गेस्ट को कहते हैं कि गेस्ट जो होता है, अतिथि जो होता है, भगवान का रूप होता है, तो गुरु के रूप मतलब गुरु कोड में बैठाने से काफ़ी अच्छा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको इस गेट से एंट्री मिलती है अपने डाइनिंग एंड स्टेयरकेस में। तो डाइनिंग में जाने पर इस तरह से आप अपने डाइनिंग का सेटअप कर सकते हैं। और यहाँ पे एक विंडो दिया गया है, जो कि है आपका 4 फीट का, जिससे कि आपके डाइनिंग में भी प्रॉपर वेंटिलेशन मिलता रहेगा। इसमें आपको एक कोमल लाइट बाथ दिया गया है, जो कि आपका एक कमांड ही रहेगा। ये 5 फीट x6 फीट 4 इंच का है, ठीक है। इसका क्या है सिस्टम आपको बताने वाले हैं। ये स्टेयरकेस आपका क्लॉकवाइज है, एक क्लॉक वाइज है स्टेयरकेस। ये पूरा जो एरिया है इसका साइज बता दें आपको 18 फीट 6 इंच x13 फीट 4 इंच है। तो आप यहाँ से स्टेयरकेस पे एंट्री करते हैं, एंट्री करते ही ये अप जाता है। तो यहाँ से आप अगर जाएंगे तो यहाँ से आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं, तो यहाँ पे आप फर्स्ट फ्लोर पे होंगे। अगर यहाँ पे आप फर्स्ट फ्लोर पे हैं तो यहाँ से डाउन जाएंगे तो ग्राउंड फ्लोर पे पहुँचेंगे। इस तरह से कुछ इसका प्रोविजन है। तो प्रत्येक स्टेप जो है आपकी जो ट्रेड है उसकी जो चौड़ाई है वो 10 इंच है गाइस, और इसकी जो चौड़ाई स्टेयर केस की है वो 3 फुट है पूरी, ठीक है। और यहाँ से 7 स्टेप चढ़ने पर ये आपको लैंडिंग मिलने वाली है। फिर उसके बाद में आप डायरेक्टली अपनी स्लेब पे पहुँच जाएंगी फर्स्ट पर। इस तरह से गाइस, आप आगे बढ़ने पर ये आपको एक बेडरूम मिलता है। ये बेडरूम काफ़ी बड़ा है आपका, 11 फीट 6 इंच x11 फीट 6 इंच का है। तो इसमें इस तरह से आपको कुछ बेड सेटअप किया गया है। इसमें गाइस, बेड का जो प्रोविजन रखा गया है वो वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग जो है वेस्ट टू ईस्ट रखा गया है, ठीक है। तो वेस्ट में आपका जो सिरहाना रहेगा और ईस्ट में आपका जो है पैर वाला हिस्सा रहेगा, ठीक है। और इसमें साथ ही साथ में आपको लेफ्ट हैंड साइड में, जो कि उत्तर दिशा में कुबेर का जो खजाना होता है, यहाँ पे आप अपना वार्डरोब बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको साथ ही साथ
एक विंडो दिया गया है जो कि डोर के साथ में लगने वाला है। इसके पास में ही एक आग्नेय कोण में आपको किचन मिलने वाली है। ये आपका आग्नेय कोण होता है, अग्नि का कोण होता है, ठीक है। तो इसमें आपको किचन दिया गया है जिसमें आप आग का काम करते रहेंगे कुछ भी हो। तो 6 फिट 8 इंच बाई 11 फिट 6 इंच का ये आपका है। इसमें एल शेप में स्लेब दिया गया है और इसका जो डोर है वो ओपन डोर रखा गया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको क्लोज भी कर सकते हैं, इसमें डोर भी लगा सकते हैं। वैसे इसको अगर एक लिंटल ना डाल के बहुत अच्छे टाइप में एक कर्वदार गेट बनाएं तो काफ़ी अच्छा लगेगा, इसको डॉट बोलते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अगर आपको लेटेस्ट वीडियो इसी तरह की और भी देखनी है हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे कि आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचें और हमारे सारे वीडियो वॉच कर सकें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट प्लान के साथ में। अगर आपकी भी कोई क्यूरीज वगैरह हैं तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका भी समाधान और उससे रिलेटेड आपको बिल्डिंग से डिजाइन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो भी आप हमें बता सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये आपको प्लान का आइडिया आपको कैसा लगा इस आइडिया के बारे में भी हमें बताना। बाकी जो कुछ भी हो, जो भी प्रॉब्लम हो, वो भी आप हमें शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।